कानपुर में 3 जून को भड़की हिंसा की ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी थी। इस हिंसा की वजह से शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। शहर के माहौल को फिर से सामान्य करने के लिए पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोगों में भाईचारा बना रहे, इसके लिए कई कदम उठाए गए। इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आगे आकर भाईचारे की मिसाल पेश की है। कानपुर में मुहर्रम के मौके पर इस बार पैगी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। कानपुर में 225 साल से पैगी जुलूस निकलता आ रहा था, लेकिन इस बार ये नहीं निकलेगा। पिछले दिनों कानपुर में भड़की हिंसा को देखते हुए जुलूस निकालने वाले मुस्लिम संगठनों ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। शहर में अमन और प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रखने के लिए हमारा ऐतिहासिक जुलूस इस निशाने पर काजी देव हुसैन की तंजीम ने यह फैसला लिया है कि हम इस साल जुलूस नहीं उठाएंगे। शांति और रिश्ता बना रहे, भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता और जितने भी जात के लोग रहते हैं हम सभी एक हैं। और कुर्बानियों की जो बात आती है तो हम कुर्बानियों में सबसे आगे हैं। अपने धार्मिक जुलूस को इस साल रोक रहे हैं पैग ना बनने के लिए। निशान तो गुलजार होगा, अपने घर पर रहेगा और जगह जगह जैसे फातिया निशान जाता था तो वहाँ के लिए हमने कुछ लोग हमारे जाएंगे, 4-5-10 लोग जाएंगे वहाँ की नजर फातिया लुटाएंगे और फिर वापस चले आएंगे। पैगी जुलूस के आयोजकों का कहना है कि कानपुर हिंसा ही नहीं उदयपुर में जो हुआ उसका उन्हें दुख है और यही वजह है कि उन्होंने इस बार पैगी जुलूस नहीं निकालने का फैसला लिया है। पैगी जुलूस संचालन समिति के फैसले से पुलिस प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इनकी पूरी टीम, इनके पदाधिकारी उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि उन्होंने आपसी निर्णय लिया है कि वो इस साल पैगी का जुलूस नहीं निकालेंगे और जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया है उसके अनुसार वो ये चाहते थे कि शहर में अमन चैन बना रहे और साथ ही साथ कोई सांप्रदायिक सौहार्द खराब ना हो, क्योंकि उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है और कई बार कुछ होने की संभावना रहती है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये निर्णय लिया है। शहर की जनता ने इस निर्णय को बड़ा अप्रिशिएट किया है, इसके वीडियोज़ भी विभिन्न लोगों ने जारी किए हैं और मैं उनकी इस पहल की सराहना करता हूं और मुझे उम्मीद है इससे शहर का ही नहीं देश का और प्रदेश का जो वातावरण है सांप्रदायिक सौहार्द वो अच्छा बना रहेगा और मैं उन्हें शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस पहल के लिए। मुहर्रम में मुस्लिम समुदाय खासकर शिया मुसलमान जुलूस निकालते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और बाकी शहीदों की याद में ये जुलूस निकाले जाते हैं। बता दें कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से सन 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 साथी इराक के शहर करबला में यजीदी फौज के हाथों शहीद कर दिए गए थे, जिनकी याद में मुहर्रम पर देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग शोक मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।